हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक का पार्ट सेवन जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है तो पहला हमारा बेसिस ऑफ कंपैरिजन मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो वो किसकी स्टडी करता है वो हर एक चीज की इंडिविजुअल लेवल में स्टडी करता है है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एग्रीगेट का मीनिंग क्या है एक साथ द इकोनॉमी एज एन होल जो इकोनॉमी है वो होल एक साथ स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा है टूल्स टूल्स क्या क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई और माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप कहां तक है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप है डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्राइजिंग फैक्टर प्राइजिंग ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पन इकोनॉमिक वेलफेयर मैंने आपको बताई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई डिसाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिसाइड करते हैं और फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेनर कंजम्पन लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इकोनॉमिक का हम अच्छा कैसे कर पाए वेलफेयर कैसे पाए और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है नेशनल इनकम जर्नल प्राइस लेवल इंप्लॉयमेंट मनी एक्सेट्रा इम्पॉर्टेंट इसमें हम क्या इम्पॉर्टेंट क्यों है प्राइस डिटर्मिनेशन मॉडल बिल्डिंग बिजनेस डिसीजन एक्सेट्रा ये हमें हेल्प करता है कि हम बिजनेस के लिए प्राइस डिसाइड कर पाए एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो क्या है इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा ये हमें हेल्प करता है कि जो भी इकोनॉमिक्स में फ़्लक्चुएशंस आ रहे हैं जो भी इकोनॉमिक्स में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं उसको हम समझें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें अपने कंट्री का उसको हम समझें थेरी इसमें आती है प्राइस थेरी हम प्राइस किसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं और इसमें आती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थेरी हम इनकम मतलब इनकम आए लोगों की और उनको इम्प्लॉइड भी हो इनकम कब आएंगी जब आपको इम्प्लॉयमेंट मिलेंगी जब आप इम्प्लॉइड होंगे जब, हो, जब, हो, जब आप काम करोगे ठीक है एग्जाम्पल क्या है माइक्रो के इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट एंड माइक्रो के एग्जाम्पल क्या है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट तो ये था आज का डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आई होप आपको समझ में आया होगा तो आज हमारा चैप्टर खत्म होता है फर्स्ट वाला नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बाकी क्लास में कवर करूँगी